हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बायो मॉलिक्यूल्स से क्वेश्चन लाए हैं। बायो मॉलिक्यूल्स ऑफ केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज यूज इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर। तो सिल्वरिंग ऑफ मिरर कौन सा टेस्ट देता है कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है? ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज। तो ये सब नहीं देता है। ये तीनों ऑप्शन में से नहीं, ये फोर्थ ऑप्शन है, ग्लूकोज है जो ये सिल्वरिंग मिरर ऑफ टेस्ट देता है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर द मेजर प्रोडक्ट। तो जो ग्लूकोज जो है ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करता है तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोनिक एसिड, सैक्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड मेजोक्सैलिक एसिड। तो इसका आंसर है फर्स्ट, ग्लूकोनिक एसिड। जब हम देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में दिया हुआ है, जब ग्लूकोज जो है ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करता है तो उसका मेजर प्रोडक्ट जो बनता है ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ठीक है। द नंबर ऑफ कायरल कार्बन आटम इज बीटा डी प्लस ग्लूकोज मोलिक्यूल इज। तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना होता है ग्लूकोज में, तो नंबर ऑफ कार्बन किसमें पूछा है, ग्लूकोज में, लेकिन यहाँ पूछा है बीटा डी प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो यहाँ होगा फिफ्थ, कितना होता है, पांच होता है। कायरल कार्बन जो बनता है वो पांच बनता है, ठीक है। द टू फॉर्म ऑफ डी ग्लूको पायरिनोज ऑब्टेंड फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज आर नोन एज। क्या कहते हैं, जब डी ग्लूकोज का सॉल्यूशन से दो फॉर्म मिलता है ग्लूकोपाइरोनोज का, उसे क्या कहते हैं, एनोमर्स, एपीमर्स, एनान्सियोमर, नन ऑफ डीज। तो इसका आंसर होगा एनोमर्स। इसको हम डी ग्लूकोज से जब टू फॉर्म ऑफ ग्लूकोपाइरोनेज जब मिलता है, जब ऑब्टेन करते हैं इससे जब प्राप्त करते हैं तो हमें एनोमर्स मिलता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ऑन ऑक्सीडेशन विथ ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक Br2H2O, मतलब ब्रोमीन और वाटर से जब ये क्या करता है ऑक्सीडाइज होता है तो ग्लूकोज इट ऑक्सीडाइज टू, क्या क्या मिलता है इसके बाद ऑक्सीडाइज करने के बाद, सैकराइड एसिड, गैरिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, वैलेरिक एसिड। तो इसका होगा ग्लूकोनिक एसिड। क्या मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड मिलता है जब ग्लूकोज को क्या करते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर, तो हमें ग्लूकोनिक एसिड भी मिलता है। सभी क्वेश्चन जो है NCERT बेस्ड क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और क्वेश्चन जो एक से एक ट्रिक लेकर आ रहे हैं वो आपको जल्द से जल्द पता चले और आप क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बना सकें। थैंक यू।